हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल मार्केटिंग लाइन। मैं श्वेता गोयल। इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक कि हम कैसे निकाल सकते हैं रीऑर्डर लेवल को, मिनिमम लेवल को, मैक्सिमम लेवल को और ईओक्यू को, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा, मैं आगे कोई भी वीडियो डालूंगी उसकी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले फॉर्म में मैंने लिख दिए हैं जिससे आप नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में और आपको इजीली लर्न भी हो जाएंगे। तो इसमें है मैक्सिमम लेवल कैसे निकालते हैं, मिनिमम लेवल कैसे निकालते हैं, एवरेज स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल, रेंजर लेवल एंड ईओक्यू। तो मैक्सिमम लेवल का एक बार देख लेते हैं, उसी से आपको सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। ROL इज अ रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कैसे निकलेगा, आपको नीचे फॉर्मूला दे रखा है, मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, ईओक्यू भी नीचे दे रखा है आपको फॉर्मूला, 2 into एनुअल कंजप्शन बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर अपॉन कैरिंग कॉस्ट। इतना लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सिंपल ऑर्डरिंग कॉस्ट, नीचे लर्न करना कैरिंग कॉस्ट, इतना भी लर्न नहीं है। 2 into A into O अपॉन सी करोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। साइड में लिख देना ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब इतनी ज़रूरत नहीं है कि पूरा लिखो कि आप बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एनुअल कंजप्शन आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आप लिख सकते हो। फिर हमारा आता है मिनिमम यूजेस और इनटू मिनिमम रीऑर्डर लेवल। मिनिमम यूजेस और मिनिमम रीऑर्डर लेवल क्या है, देखो हमारे क्वेश्चन में आपको दो फिगर गिवन होंगी, एक ज़्यादा दे रखी होगी और एक कम दे रखी होगी। तो कम वाली मतलब मिनिमम है, वो इतना में आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। और रीऑर्डर लेवल क्या है, एक उसमें होता है पीरियड के लिए, इतना पीरियड आपको टू वीक्स या 2 days में कुछ गिवन होगा तो वो क्या होगा आपका मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। किसी चीज़ का हमें एवरेज निकालना होता है तो क्या निकालते हैं, मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन टू। हमने यहाँ पे लेवल का निकाला तो इसलिए मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल अपॉन टू। अगर मैं स्टॉक का निकालती, मतलब मुझे मिनिमम यूजेस दे रखा है, मैक्सिमम यूजेस दे रखा है पर मुझे एवरेज यूजेस नहीं दे रखा, तो मैं मिनिमम को प्लस मैक्सिमम यूजेस को प्लस करके अपॉन टू कर दूंगी तो मेरा एवरेज आ जाएगा। एक बार हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अ कंपनी मंथली डिमांड 7,500 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट पर मंथ। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹100, द परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज 60 पर kg, द रीऑर्डर पीरियड इज 5 to 8 weeks, द कंजप्शन ऑफ मटीरियल वेराइज फ्रॉम 750 kg टू 250 kg पर वीक्स। देखो अब रीऑर्डर पीरियड में यहाँ देखो क्या दे रखा है, 5 to 8 weeks, तो 5 इज मिनिमम और 8 इज मैक्सिमम। इन द कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल में केजी में कितना है, ये वाला 750 अमाउंट क्या है मैक्सिमम, 250 अमाउंट वाली क्या है मिनिमम, पर इसमें एवरेज हमें गिवन है तो हमें एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं है कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल में। बट ऊपर में रीऑर्डर पीरियड में हमें ज़रूरत है क्योंकि हमें खाली 5 और 8 ही गिवन है, तो 5 मेरा हो गया मिनिमम और 8 मेरा क्या हो गया मैक्सिमम। तो द कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल वेराइज फ्रॉम 750 kg टू 250 kg पर वीक्स, एवरेज दे रखा है। द कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 10% पर एनम, इमरजेंसी पीरियड टाइम 1 week, बहुत जब इमरजेंसी आ जाएगी तो आपको कितना दे रखा है 1 week, मतलब मैक्सिमम 8, मिनिमम 5, एवरेज हम निकाल लेंगे 5 + 8/2 और इमरजेंसी में कितना 1 week। क्लियर हो गया। आप ना क्वेश्चन करने से पहले ये लिख लेना कि ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी गिवन है, कैरिंग कॉस्ट इतनी गिवन है। तो हमने फॉर्मूला देखा 2 into A upon O upon C, एक बार यहाँ से फॉर्मूला देख लीजिएगा ईओक्यू का। तो एनुअल कंजप्शन क्या है, जब मेरी एवरेज कितनी है 500 केजी है, एक साल में कितनी होती है 52 वीक्स होते हैं, तो 500 केजी इनटू 52 वीक्स कितना आ गया 2,026,000। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको पर वीक दे रखी है। ठीक है, तो कैरिंग कॉस्ट कितनी है, कैरिंग कॉस्ट हमें दे रखी थी कि कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज 10% पर एनम, तो प्राइस कितना दे रखा है ऑलरेडी गिवन में 60, तो मैं करूँगी 60 into 10% अप इजिकल टू 6। ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है, देखो ऑर्डर है आपको लिखो ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, प्लेसिंग एन ऑर्डर, इट मीन्स कि वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी, वो कितना दे रखी है 100। तो आपने ये चीज़ सारी चीज़ें आपको पता चल गई, 2 हम लगाते हैं, आपको एनुअल पता चल गया मतलब ए पता चल गया, आपको ओ पता चल गया ऑर्डरिंग कॉस्ट 100, सी पता चल गया कैरिंग कॉस्ट 6, फॉर्मूले में पुट करा हमारा आंसर आया 900
931 यूनिट्स, ये 930.9 था तो अप्रोक्स करके मैंने 931 यूनिट्स लिख दिया है। रीऑर्डर लेवल हमने क्या देखा था, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इनटू मैक्सिमम यूजेस, तो मैक्सिमम हमें ऑलरेडी गिवन थी 8 वीक्स और मैक्सिमम हमें गिवन था 750, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो मेरा आ गया 6000। अब मिनिमम स्टॉक कैसे निकालोगे, मिनिमम रीऑर्डर लेवल हमने ऊपर निकाल लिया 6000, नॉर्मल स्टॉक यूजेस और एवरेज, नॉर्मल एवरेज एक ही बात है कि वो नॉर्मल मैक्सिमम मिनिमम नॉर्मल यूजेस, तो एवरेज तो हम लोग को देखो इसमें मुझे एवरेज नहीं गिवन, तो 8+5/2 करूँगी और यहाँ पे मुझे कंजप्शन में गिवन है 500, तो मुझे ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो 500 निकालने की ज़रूरत नहीं थी, पर मुझे 6.5 मैंने निकाला 5+8 करके, तो मेरा आ गया 2750। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे निकालोगे, हमें सबसे पहले मैक्सिमम का ही फॉर्मूला देखा था, आपको लर्न भी हो रहा होगा दिमाग में थोड़ा थोड़ा, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी या EOQ माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, तो ये हमें गिवन है 931 हमने ऊपर निकाल लिया, 5 × 250 करके आगे हमारा 5681। अब इतने सारे फॉर्मूले लर्न कैसे होंगे, देखो रीऑर्डर लेवल ऐसे लर्न कर लो, मैक्सिमम है रीऑर्डर में कब करूँगी प्लेस तब मुझे ज़्यादा ज़रूरत होगी मैक्सिमम पे, मिनिमम में एवरेज ले लो और मैक्सिमम में मिनिमम ले लो, ऐसे करके आप थोड़ा इसको फॉर्मूले लर्न कर लेना, ठीक है। एवरेज किसी चीज़ का एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल, तो हमने मिनिमम मैंने निकाल लिया था पहले, मैक्सिमम भी निकल गया, अपॉन टू करा तो मेरा आ गया एवरेज। ड्रेंजर, ड्रेंजर लेवल कैसे निकालोगे, मिनिमम कंजप्शन जो ऑलरेडी गिवन थी 250 kg, इमरजेंसी पीरियड था 1, हमने देखा था इमरजेंसी क्या है 1 वीक और मिनिमम क्या था 5 और मैक्सिमम क्या था 8, हमने जब उसका एवरेज निकाला तो कितना आया 6.5, तो वही लिया मैंने 250 × 1 वीक्स कितना आ गया 250 यूनिट्स। फ्रेंड्स होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर आपको कुछ भी समझ ना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी नीचे लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।